नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश चटर्जी फिर एक एक बार बार आप आप सभी सभी का का स्वागत स्वागत करता करता हूं हूं हमारे हमारे इस इस ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स लेक्चर्स में, में जिसमें जिसमें हम हम वाटर वाटर डिमांड डिमांड एंड एंड क्वांटिटी क्वांटिटी की की स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे थे। थे। वाटर वाटर डिमांड डिमांड एंड एंड क्वांटिटी क्वांटिटी हमारी हमारी फर्स्ट फर्स्ट यूनिट यूनिट है, है, जिसमें जिसमें कि कि हम हम जलमांग जलमांग क्या क्या होती होती है है और और इसकी इसकी क्यों क्यों आवश्यकता आवश्यकता पड़ती पड़ती है, है, क्यों क्यों हमें हमें वाटर वाटर सप्लाई सप्लाई सिस्टम सिस्टम लगाने लगाने के के लिए लिए जनसंख्या जनसंख्या और और पूर्वानुमान पूर्वानुमान की की आवश्यकता आवश्यकता पड़ती पड़ती है। है। तो तो यहाँ यहाँ पे पे इसी इसी श्रेणी श्रेणी में में हम हम ये ये स्टडी स्टडी करेंगे करेंगे कि कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन और और राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनसंख्या का का पूर्ण पूर्ण अनुमान अनुमान क्या क्या होता होता है। है। तो तो अगर अगर मैं मैं सबसे सबसे पहले पहले बात बात करूँ करूँ तो तो पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन निकल निकल के के आता आता है है मेरा मेरा कि कि व्हाट व्हाट इज इज द द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, व्हाट व्हाट इज इज द द फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग या या पूर्वानुमान पूर्वानुमान क्या क्या है। है। तो तो फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग क्या क्या है, है, फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग जिसे जिसे हम हम पूर्वानुमान पूर्वानुमान भी भी कहते कहते हैं। हैं। तो तो पास्ट पास्ट और और परिजन परिजन के के डाटा डाटा के के बेसिस बेसिस पे पे हमें हमें फ्यूचर फ्यूचर की की का का प्रोडक्शन प्रोडक्शन लगाना लगाना या या अतीत अतीत और और वर्तमान वर्तमान के के डेटा डेटा के के ऊपर ऊपर या या फिर फिर जनरली जनरली रुझानों रुझानों के के बेसिस बेसिस पे पे हम हम लोग लोग जो जो भविष्य भविष्य की की भविष्यवाणियां भविष्यवाणियां करते करते हैं हैं इस इस प्रक्रिया प्रक्रिया को को पूर्वानुमान पूर्वानुमान कहते कहते हैं। हैं। जैसा जैसा कि कि आप आप जनरली जनरली देखते देखते भी भी हो हो कि कि जब जब चुनाव चुनाव आते आते हैं हैं तो तो चुनाव चुनाव में में चुनाव चुनाव होने होने के के जस्ट जस्ट बाद बाद में में रिजल्ट रिजल्ट से से दो दो दिन दिन पहले पहले या या एक एक दिन दिन पहले पहले ही ही उसका उसका पूर्वानुमान पूर्वानुमान लगाया लगाया जाता जाता है है कि कि कौन कौन विनर विनर होगा। होगा। तो तो ये ये किस किस बेसिस बेसिस पे पे लगाया लगाया जाता जाता है, है, ये ये रुझानों रुझानों के के बेसिस बेसिस पे पे लगाया लगाया जाता जाता है। है। तो तो इसी इसी को को हम हम बोलते बोलते हैं हैं फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग या या पूर्वानुमान पूर्वानुमान लगाना। लगाना। तो तो ये ये एक एक तरह तरह से से इलेक्शन इलेक्शन का का फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग हो हो गई। गई। सिमिलरली सिमिलरली हम हम कई कई सारी सारी चीजों चीजों का का पूर्वानुमान पूर्वानुमान लगाते लगाते हैं। हैं। उन्हीं उन्हीं में में से से एक एक होती होती है है जनसंख्या जनसंख्या का का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान। हाँ, हाँ, पूर्वानुमान पूर्वानुमान एक एक बड़े बड़े विस्तृत विस्तृत संग्रह संग्रह है। है। हर हर तरह तरह के के क्षेत्रों क्षेत्रों में में पूर्वानुमान पूर्वानुमान लगाया लगाया जाता जाता है। है। पूर्वानुमान पूर्वानुमान जनरली जनरली कभी 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 मजबूती मजबूती से से नहीं नहीं लगाया लगाया जाता। जाता। तो तो उसके उसके लिए लिए जो जो फैक्टर्स फैक्टर्स जो जो पूर्वानुमान पूर्वानुमान के के लिए लिए यूज यूज किए किए जा जा रहे रहे हैं हैं वो वो डिपेंड डिपेंड करते करते हैं हैं सब सब कुछ। कुछ। तो तो जैसा जैसा कि कि हर हर चीज चीज का का पूर्वानुमान पूर्वानुमान मजबूती मजबूती से से नहीं नहीं लगाया लगाया जा जा सकता। सकता। अगर अगर जो जो कारक कारक पूर्वानुमान पूर्वानुमान के के बारे बारे में में बताए बताए जा जा रहे रहे हैं हैं वो वो अच्छी अच्छी तरह तरह से से ज्ञात ज्ञात हो हो या या नहीं नहीं हो हो इसके इसके बेसिस बेसिस पे पे जो जो फैक्टर्स फैक्टर्स हैं हैं जिसके जिसके बेसिस बेसिस पे पे हम हम पूर्वानुमान पूर्वानुमान फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग कर कर रहे रहे हैं। हैं अगर अगर वो वो हमें हमें अच्छी अच्छी तरह तरह याद याद हो हो तो तो हम हम कुछ कुछ हद हद तक तक रिलायबल रिलायबल फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग कर कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक ठीक है। है। अब इसके इसके बारे बारे में में बात बात करूं करूं पॉपुलेशन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग तो तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग क्या क्या होती होती है? है? तो तो जैसा जैसा कि कि फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग आपको आपको पता पता चला चला पूर्वानुमान, पूर्वानुमान उसी उसी अनुसार अनुसार पॉपुलेशन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग मतलब मतलब जनसंख्या जनसंख्या का का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान। तो तो सबसे सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है है कि कि व्हाई व्हाई इज इज द द पॉपुलेशन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग कैरिड कैरिड आउट? आउट? जनसंख्या जनसंख्या का का पूर्वानुमान पूर्वानुमान क्यों क्यों लगाया लगाया जाता जाता है, है, क्यों क्यों किया किया जाता जाता है? है? तो तो सिंपल सिंपल सी सी बात बात है, है, वैसे वैसे तो तो कई कई सारी सारी डिजाइनिंग डिजाइनिंग हमें हमें देखने देखने को को मिलती मिलती है, है, जैसे जैसे रोड्स रोड्स बनानी बनानी है है या या फिर फिर ट्रैफिक ट्रैफिक डिजाइन डिजाइन करनी करनी है है या या फिर फिर वाटर वाटर सप्लाई सप्लाई सिस्टम सिस्टम लगाना लगाना है। है। काफ़ी काफ़ी सारी सारी डिजाइनिंग डिजाइनिंग इनके इनके बेसिस बेसिस के के लिए लिए हमें हमें वहाँ वहाँ की की फ्यूचर फ्यूचर में में कितनी कितनी पॉपुलेशन पॉपुलेशन हो हो जाएगी जाएगी उसका उसका उसकी उसकी आवश्यकता आवश्यकता पड़ती पड़ती है है और और उसी उसी के के लिए लिए हमें हमें पॉपुलेशन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग की की आवश्यकता आवश्यकता पड़ती पड़ती है। है। लेकिन लेकिन अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे हम हम वाटर वाटर डिमांड डिमांड की की स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे हैं हैं तो तो वाटर वाटर डिमांड डिमांड में में हमें हमें क्यों क्यों आवश्यकता आवश्यकता पड़ती पड़ती है है पॉपुलेशन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग की? की? तो तो क्या क्या है है ना ना कि कि जो जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन है है वो वो एक एक डायनेमिक डायनेमिक पैरामीटर पैरामीटर है, है, एक गतिशील गतिशील पैरामीटर पैरामीटर है है जो जो कि कि जनसंख्या जनसंख्या बढ़ती बढ़ती घटती घटती रहती रहती है। है। ठीक ठीक है। है। लगातार लगातार हर हर साल साल हर हर महीने महीने हर हर दिन दिन जनसंख्या जनसंख्या काफ़ी काफ़ी अस्थिर अस्थिर पैरामीटर पैरामीटर है। है। तो तो इस इस वजह वजह से से हमें हमें फ्यूचर फ्यूचर की की में में अगर अगर वाटर वाटर सप्लाई सप्लाई सिस्टम सिस्टम लगाना लगाना है है तो तो उसके उसके लिए लिए हम हम आज आज या या कल कल के के लिए लिए नहीं, नहीं, कम कम से से कम कम 20 20 से से 25 25 सालों सालों के के लिए लिए उस उस चीज़ चीज़ की की डिजाइनिंग डिजाइनिंग करते करते हैं। हैं। तो तो 20 20 से से 25 25 सालों सालों के के लिए लिए अगर अगर आप आप किसी किसी चीज़ चीज़ की की डिजाइनिंग डिजाइनिंग कर कर रहे रहे हैं हैं तो तो उसके उसके लिए लिए पॉपुलेशन पॉपुलेशन कितनी कितनी रहेगी रहेगी 20 20 साल साल बाद बाद में, में, ये ये सब सब होना होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। तो तो
और हमें वाटर सप्लाई सिस्टम सस्ता मजबूत और ऐसी रूप से लगाने के लिए हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक निश्चित क्षेत्र की आबादी या तो शहर या गांव की हमेशा दस से ज्यादा होता है, इसलिए एक तो पानी की भविष्य की मांग पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे अधिक बार ताकि जल आपूर्ति प्रणाली में बाद के बदलाव से बचने के लिए एक गतिशील आबादी के लिए ऐसी डिजाइन पर विचार करने की आवश्यकता होती है जो सस्ता हो अस्थिर हो। इस वजह से हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में पॉइंट पर जाऊं तो सबसे पहले टू कैलकुलेट द वाटर डिमांड फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर डेवलपमेंट वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पानी की मांग की गणना करना, इसीलिए हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप जानते हो कि पॉपुलेशन हमें जनगणनाओं से प्राप्त होती है, जनगणना 10 साल के अंतराल में होती है। तो 10 साल के अंतराल में अगर जनगणना होनी है तो इस वजह से हमें अगर 5 साल 3 साल 2 साल इस तरह की जनसंख्या होता है अगर आवश्यकता है तो हमें पूर्वानुमान से मिलती है, फोरकास्टिंग से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास काफी सारे मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के। अगर मैं मेथड्स की बात करूँ, जनसंख्या के पूर्वानुमान के तरीकों की बात करूँ, तो हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। जैसा कि पहला मेथड है अरिथमेटिकल इंक्रीमेंट या अंकगणितीय बढ़ोतरी विधि, जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट या ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट या वृद्धिमान वृद्धि विधि, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ या बढ़ोतरी की दर घटाना, सिंपल ग्राफिकल मेथड या सरल आलेख विधि, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड या तुलनात्मक चित्रमय विधि, द मास्टर प्लान या जोनिंग मेथड, डेमोग्राफिक मेथड और द लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो हमारे यहाँ पे ये कुछ मेथड्स हैं, लेकिन इनमें हम जो महत्वपूर्ण रूप से स्टडी करेंगे वो इन तीन मेथड्स की स्टडी करेंगे। ये काफी सारे मेथड्स हमारे पास रहते हैं, इनका भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, बट ये तीन मेथड्स हैं जिन पे हम जो मेडिकल भी कर लेंगे और इनकी डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो हमारे पास ये तीन मेथड्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है स्टडी करने की, अरिथमेटिकल इंक्रीमेंट मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड और इंक्रीमेंट मेथड। इन सब भी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लिए हम इसको यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।